नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस मी पूजा एंड यू आर विद मदर वर्ल्ड द वर्ल्ड वेयर इज योर ऑल एक्सेस सॉल्यूशन। फोटो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं वो होता है सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, और ये सिग्मा स्टार है इसका यहाँ पे आ जाएगा और ये पाई स्टार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप समझने से पहले ये समझ लीजिए कि एनर्जी के जो लेवल होते हैं सबसे ज़्यादा होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सबसे ज़्यादा एनर्जी एनर्जी का लेवल जो है ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए ही लगती है। उसके बाद आता है एन टू सिग्मा, फिर उसके बाद सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और उसके सबसे लास्ट में है सिग्मा टू पाई स्टार। ठीक है, एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा जो होता है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में होता है, और सबसे कम होता है वो सिग्मा से लेकर के पाई में होता है। दूसरा, फोटो केमिस्ट्री में हम लोग जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है कार्बोनिल, आर कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट, आपको पता होगा कि सिंगलेट जो होता है, जो सिंगलेट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो ट्रिपलेट में होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, सिंगलेट में होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी का लेवल जो सबसे ज़्यादा होता है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में होता है। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज़, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें समझने में फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत परेशान करते हैं, तो इसी में हम बहुत सारी कॉन्सेप्ट समझेंगे। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, कौन सी इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर समझेंगे। सबसे पहली बात है, अगर सिंगलेट ये S1, ये सिंगलेट है और ये दैट इज़ अ ज़ीरो। अगर सिंगलेट स्टेट में कोई जाता है एंड विथ ये आपकी, अगर आपको कहीं पे ये दिखे तो इसका मतलब आप समझिए फोटोकेमिकल लाइट होता है। ठीक है, और अगर डेल्टा की तरह हीट की तरह रहे तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये समझने का मेरा वो समझिए कि आपके ये दो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इनकेस वो यहाँ पर चल जाता है और यहाँ पर वो स्टेबल नहीं है, तो हो सकता है कि वो यहाँ से, कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपनी जगह पर यहाँ से तो चले जाएंगे पर वो क्या करते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ से S1 से ऊपर चला जाए, और ये सब कुछ कब हो रहा है, जब आपकी थर्मल एनर्जी, जब आपकी फोटोकेमिस्ट्री की एनर्जी लग रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटर सिस्टम जो होता है कन्वर्जन, वो होता है आपका सिंगलेट में, मतलब फॉस्फोरेसेंस में, और अगर वो यहाँ से यहाँ पे चला जाए ट्रिपलेट स्टेट में जहाँ पे एनर्जी कम होती है, तो उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम कन्वर्जन। और इन्हीं सभी चीज़ों के बाद फोटोकेमिस्ट्री के कुछ अलग कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ अलग एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि CSIR NET में करना तो अपने को है एग्जाम्पल्स ही। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।